हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैराबोला एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज एट पॉइंट 1-1, हुज वर्टेक्स इज एट पॉइंट 2-1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इसमें हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट इज पैराबोला की इक्वेशन, सेकेंडली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एंड एक्सिस की इक्वेशन। तो देखो हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं कि हमारे पास एक तो फोकस गिवन दिया हुआ है और एक वर्टेक्स। तो हमारे पास फिगर होती है, फोकस पॉइंट यहाँ लेते हैं 1-1, ऐसे हम फिगर ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स की लाइन के साथ डिस्टेंस होता है हमारे पास सेम। नेक्स्ट यहाँ हम एक वर्टेक्स लेते हैं उसका, और डायरेक्ट्रिक्स का हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस सेम। और इस तरह हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। तो वर्टेक्स हमारे पास गिवन दिया हुआ है विच इज़ 2-1, और वर्टेक्स जो पॉइंट होता है वो हमारा काम आता है एज अ मिड पॉइंट, फर्स्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट का। मींस जो पॉइंट हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स में होता है, लेट कर लो x1 और y1, हमने कोई पॉइंट ले लिया, जो ये दो एंड पॉइंट्स हैं और ये वर्टेक्स है, मिड पॉइंट का काम करते हैं इन दोनों के एंड पॉइंट्स के। क्लियर है? तो हम ये x1 y1 का पॉइंट है जो फाइंड करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके। हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है जो ये एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 = रखना होता है मिड पॉइंट के पॉइंट के साथ। जैसे कि हमारे पास एंड पॉइंट एक तो है x1 और दूसरा एंड पॉइंट है x कोऑर्डिनेट का 1, उन दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2 = हमने रखा x का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के विच इज़ 2। तो हमने यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली हम y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक एंड पॉइंट हमारे पास y1 है, सेकंड एंड पॉइंट हमारे पास -1 है, डिवाइड बाय 2 = 1 के रखेंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी 2+1, y1 = 3। तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर पॉइंट आ गया है x1 y1 का विच इज़ 3,3। क्लियर है? तो हम इस पॉइंट की हेल्प से एक तो एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करेंगे और एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैसे? हमारे पास अगर किसी लाइन में दो पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट तो ये और एक पॉइंट हमने जो निकाल लिया, तो इस लाइन को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला ये होता है कि y-y1 = स्लोप मल्टीप्लाई x-x1। और हमारे पास जो y1 x1, इन दोनों में पॉइंट में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो और ये वाला पॉइंट भी। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है slope = y2-y1 / x2-x1। तो हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से। हाँ जी, देखिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का नेम ले लो, हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं कोई भी s, और यहाँ हमने नाम ले लिया कोई भी क्यू। क्लियर है? तो हमने लाइन कौन सी की इक्वेशन, मीन्स एक्सिस की लाइन जिसको हमने नाम दे दिया क्यू एस या एस क्यू कह लो, उस लाइन को हमने फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करना है। y-y1, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लो, हमारे पास आया था 3,3 तो हमने 3 ले लिया, = स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला यहाँ फिल कर दो, y2-y1/x2-x1, x-x1 क्या आया था 3। नेक्स्ट y-3, y2 मीन्स ये हमने x1 y1 कंसिडर किया है, तो ये हमारे पास क्या आएगा x2 y2, मीन्स y2-y1 दैट मीन्स -1-3 डिवाइड बाय 1-3 x-3 एज इट इज। तो हमने इसे सॉल्व किया, -1-2 x-3, तो हमारे पास कैंसिल आउट करके आ जाएगा 2x-3, लेफ्ट साइड हमारे पास था y-3, तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्सिस की 2x, y को हम राइट साइड लेके गए तो -y बन गया, -3 को +3 लेके गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 = 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एक्सिस की। क्लियर है? तो हम इसी तरह फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर है स्टूडेंट्स?
तो हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन तो आ गई 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड इस लाइन की स्लोप हमने क्या निकाली थी 2। तो अब हमारे पास आते हैं कि हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करें। तो आपको एक बात बता दें कि अगर दो लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर हों तो हमारे पास उनकी स्लोप कैसे फाइंड आउट होती है, मीन्स कि हमारे पास इस लाइन की स्लोप तो है, तो इस लाइन की स्लोप हमारे पास क्या आएगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन की हमारे पास होती है माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ दैट लाइन विच वी हैव। हमारे पास जिसकी स्लोप गिवन आउट है परपेंडिकुलर लाइन की वो अपॉन में चली जाती है और माइनस लग जाता है। तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप आएगी माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ हमारे पास एक्सिस की स्लोप क्या थी 2। तो हमारे पास स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की आ गई माइनस वन अपॉन 2। तो अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अगेन वही फॉर्मूला लग जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, इस बार हम स्लोप लेंगे डायरेक्ट्रिक्स की, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की मीन्स जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उस लाइन की स्लोप हमें फाइंड होनी चाहिए। तो y माइनस वाई वन हमारे पास 3 था, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अभी निकाली है वो है माइनस वन अपॉन 2, x माइनस एक्स वन हमारे पास था 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस वन एक्स माइनस 3। तो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं माइनस एक्स प्लस 3 और 2y माइनस 6 सॉल्व करके हमारे पास लेफ्ट साइड लेके आ गई 2y माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आई एक्स प्लस 2y माइनस 9। तो अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो देखो हमने इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड कर ली, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने यहाँ लिख दी है। तो हमारे पास आगे पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। वैसे ही जो हमने प्रीवियस वीडियो में मेथड फाइंड किया था पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने का क्या था, यहाँ हम एक एस पॉइंट लेते थे विच इज़ फोकस और हम यहाँ एक कोई पी पॉइंट लेते थे इन फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड यहाँ हम कोई एम पॉइंट लेते थे। तो हम क्या करते थे पी एस इज इक्वल्स टू पी एस मीन्स हम पी एस का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और एक पी एम फाइंड कर लेंगे। पी एम फाइंड कैसे करेंगे, वही मेथड कि हम किसी पॉइंट का किसी लाइन तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पॉइंट को सीधा उसमें पुट करके डिवाइड बाय जो एक्स का कोफिशेंट होता है उसका स्केयर, जो वाई का कोफिशेंट होता है उसका स्केयर डिवाइड अंडर द रूट। तो ऐसे करके हम दोनों को इक्वल रख के इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं पी एस इज इक्वल्स टू पी एम, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 1,1 ऐसे हमारे पास है पॉइंट 1,-1 और P पॉइंट है हमारे पास x,y। तो डिस्टेंस फॉर्म में अप्लाई करने लगे हैं क्या आ जाएगा रूट में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का माइनस x में 1 माइनस कर देंगे और y में माइनस 1 माइनस कर देंगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा और अंडर द रूट हमारे पास फॉर्मूले में ही होता है इज इक्वल्स टू पी एम। पी एम मीन्स हमारे पास जो पॉइंट गिवन है उस एम मीन्स जो अपने हम एम किस लाइन पर है डायरेक्ट्रिक्स की लाइन पर और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है उस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीधा वो पॉइंट उसमें पुट कर दो एक्स कोमा वाई को एक्स वाई में की फॉर्म में पुट कर दो तो हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी दिस फॉर्म में डिवाइड बाई जो एक्स का कोफिशेंट है उसका स्केयर एंड जो वाई का कोफिशेंट है उसका स्केयर। तो हमारे पास ये आ जाएगा, सॉल्व कर दिए कर देंगे हम एक्स प्लस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 9 डिवाइड बाय 2^4 1/5 आ जाएगा। दोनों साइड स्केयरिंग कर देंगे तो हमारे पास रूट कैंसिल हो जाएगा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स करके एक्स प्लस 2y माइनस 9 का स्केयर डिवाइड बाय 5 रूट में है तो उसका स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5। तो हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो हमने स्केयरिंग खोल दी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई का होल स्केयर खोल दिया प्लस 2y इज इक्वल्स टू
इसका स्क्वायर खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस 81। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 2 इंटू बी इंटू सी माइनस 2 इंटू ए इंटू सी। जैसे कि हमने तीनों का स्क्वायर तो कर दिया, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 2y है, तो आ जाएगा एक्स इंटू 2y माइनस 2 इंटू बी मल्टीप्लाई सी, नेक्स्ट माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 5। तो इन इक्वेशंस को कैंसिल आउट करके या लेफ्ट साइड राइट साइड जाके हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगी पैराबोला की, तो उसको सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8x प्लस 46y माइनस 71 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमने वो तीनों चीज़ें फाइंड कर ली जो हमने फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास आई है 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास आई है x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे करके हम गिवन पॉइंट मींस फोकस और वर्टेक्स के गिवन पॉइंट से हम फाइंड कर सकते हैं एक्सिस की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट? अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।